जी हाँ, आपने सही सुना। उमरान मलिक ने फेंकी सबसे तेज गेंद 163.7 किलोमीटर पर आवर की। ये गेंद उन्होंने नेट सेशन में दीपक हुड्डा को की, लेकिन ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं मानी जाएगी क्योंकि ये एक नेट प्रैक्टिस सेशन था। शोएब अख्तर के 161 किलोमीटर के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उमरान मलिक को डेब्यू का इंतजार करना होगा, और ऐसी उम्मीद है वो डेब्यू मैच में ही ये रिकॉर्ड आसानी के साथ तोड़ देंगे, क्योंकि नेट में वो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और अच्छी रिदम के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं कोच राहुल द्रविड़ के देखरेख में। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये नेट में 163.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद फेंकी हुई है, जिसकी सराहना कोच राहुल द्रविड़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की है, और साथ ही खिलाड़ियों ने भी इस चीज़ का बहुत बहुत हौसला बढ़ाया है। इसी तरीके से अगर उमरान मलिक गेंदबाजी करते रहे तो वो भारत के बेस्ट गेंदबाजों की सूची में अपना नाम बना लेंगे।